परिशे आप कितनी बिजी चल रही है, मतलब यहाँ पे मेहंदी हो रही है और यहाँ पे परिशा मोबाइल भी देख रही है। दोबारा की दोबारा कल सुबह कली सबके घर में इस वक्त जो है ईद की तैयारी चल रही होगी। आई नो तो भाई आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब क्योंकि जो मेरे भाई हैं दुबई गए हुए थे शराज भाई, तो वो भाई अचानक से आज बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो गए और मैंने इतनी चीखें मारी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो वो जो मोमेंट है वो मम्मी के पास व्लॉग में है, मेरे पास नहीं है। तो मैं उनसे मांग के ये वीडियो आप लोगों के लिए खास मांगी कि ये मेरा रिएक्शन था। तो देखा भाई ऐसे होता है जब आपके प्यारे आपके सामने आके ऐसे अचानक से खड़े हो जाना, तो यही होता है। और बस एक अपने दूसरे भाई का इंतजार है जो कि अमेरिका में है। एक बार आके गए उस वक्त व्लॉगिंग नहीं करती थी, पर अब बहुत ज्यादा नज़ारा है कि वो भी ऐसे ही अचानक से सामने आके खड़े हो। तो व्लॉग है भाई हमारा चांद रात की प्रिपरेशन का, और चांद रात पता नहीं कल है या परसों है ये पता नहीं, पर तैयारी हमने कर ली है क्योंकि बिल्कुल एंड वाले दिन में ना बहुत ज्यादा रश था। तो मैडम परीक्षा को मैंने भेजा हुआ है मेहंदी के लिए, अम्मी के साथ कहीं नहीं है वो, और हाइम जो है भाई अपने हेयर कट वगैरह के लिए गया हुआ। तो भाई मुझे लग रहा है हमारे हाइम खान आए तकरीबन, ये देख रहे हैं फजर का टाइम हुआ है, तकरीबन 5:30 ये बज रहे हैं और ये अभी आए हैं। कहाँ थे आप, हेयर कट करा रहे थे या पूरी दुनिया का हेयर कट करवाने के लिए गए हुए थे? हमारी ईट है ना, अब कल लास्ट लगा हुआ है, इसी मैंने मेहनत से बाल बना के। आपने मेहनत से बनाए? आपने बनाए कि किसी ने काट के दिए आपको? तो फिर आप कह रहे हो मैंने तो मेहनत से बनाया, इसमें आपकी क्या मेहनत है बताएं? सो गए थे? अम्मा तो सो गए थे, सही बताओ। ये जब भी आप हेयर कट करते हो, जब भी हाइम हेयर कट करवाते हैं, ये मुझे लग रहा है चौथी या पांचवी बार हो रहा है कि हाइम हेयर कट कर, क्या मजा आ रहा था कि जो सो जाते हो? बैठे बैठे आपकी हेयर कट हो रही थी इसलिए नींद आ जाती होगी ना। ख्वाब भी देख लिया, बहुत फारिग हो बच्चे, बहुत फारिग हो। अब हमारे हाइम खान जो है हेयर कट वगैरह करा कर आ गए, हमारी मिस जो है मलका जो है ना अभी अम्मी के साथ गई है, पता नहीं वो क्या करवा के आने वाली है, तो इंतजार करते हैं। ये देखें भाई सुबह और ये हुजूर, आए हाय कुर्बान, क्यूट लग रही है भाई, कितने प्यारे लग रहे भाई, छोटा सा ओए होए भाई। और यहाँ से दिखाएं लेयर्स करवाई है आपने, कितनी प्यारी लग रही। हेलो, इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? सुबह सुबह हेयर कट कराकर आ रही है, फुल अम्मी को तंग किया हुआ था। खुश हो अब आप? दोनों बच्चे भाई मेरे फ्रेश हो गए और अभी मेरे मियाँ जी बाकी हैं, पता नहीं बाबा कब आएंगे। मम्मा को बाबा नहीं है, बाबा नहीं आए अब तक, बाबा लगता है धूप निकलेगी फिर आएंगे। यस परिशे, गुड मॉर्निंग। अब जो है अम्मी की कॉल आई है कि भाई भाई ने कहा तानी सब जो है ना यार सब साथ मिलकर करेंगे, तो बहुत टाइम बाद हमारा जो है ना बहन भाइयों का एक बहुत टाइम बाद गेट टुगेदर हो रहा है। बस एक भाई मेरे मिस हैं जो कि ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जब भी लाए खुशियों से लेकर आए। तो अभी जो है फटाफट से रेडी होते हैं और निकलने की कर। चलिए जी गाइस, मैं जो है रेडी हो गई हूँ, अब मेरे मियाँ को ना वॉशरूम से निकालना बहुत मुश्किल काम है। बिलाल बस यही है, इनका एक घंटे से पहले बाथरूम से निकलना पसंद नहीं है, जल्दी करो देर हो रही है। हैं? 6:45 हो रहे हैं, जल्दी करो सर, जल्दी से नाश्ता करने जाना, देर हो रही है हमें। ओके मैडम, नाश्ता फिनिश कर लिया आपने? मैडम परीक्षे नाश्ता फिर, ये क्यों किया हुआ है मुंह के साथ? जल्दी से नाश्ता करो, देर हो रही है। चलो हाइम आप रेडी हो, चले अम्मी हम लोग निकल रहे हैं, फिर आप लोग आ जाएं, ठीक है? ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। ओके चलो भाई साहब, चलो परीक्षा क्या कर रही हो आप? अरे देर हो रही है। ओ हो भाई, बाबा की खिदमतें हो रही हैं। ठीक है परीक्षा, ओके क्लीन हो गए, वेरी गुड भाई। हम लोग जो है निकल रहे हैं, बाकी ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है? आप अपनी व्लॉगिंग बना रही, ये क्यों? फर्स्ट फ्लोर पर तो है, उसमें भी लिफ्ट में जाना है। अच्छा भाई, अरे बाबा का वेट तो करो, क्या कर रहे हो भाई साहब? चलो आगे।
हेलो बेबी जो, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? हेलो अरम खान, हेलो ब्रदर, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक? कैसे हो मम्मा जान? सही सही सही, तो ठीक हो? खुश हो? पापा क्या है अम्मा आज आपके किचन में? हाल है मेरा, खुशी से? अच्छा हाल होना चाहिए ना, बुरा क्यों होना है? बच्चे आए ना, मैं यही कहा कि इतने टाइम बाद हमारे सब तीन बहन भाइयों का रीना करती हूं, मगर वो तो है ना, एक जो है नहीं थे, एक आ गया और एक को हर चीज में चल रहे हैं। मैं आते हुए भी भाई को मैसेज करते हुए आई हूँ कि आज आपकी ईद है, तो कह रही मेरी कल ईद है। मैंने कहा चलो एक ईद ऐसी भी आएगी, भाई साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शुक्र करो कि खुश है ना वहाँ पर, बस यही बहुत है ना। तो बस एक भाई की जो है ना कमी है, बाकी हम सब एक साथ हैं, ये बहुत खुशी है, पर एक भाई की बस कमी, इंशाल्लाह वो भी साथ होंगे, पर एक दिन ये भी होगा मेरा, सारा दिन साथ होंगे इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर जो है पकौड़ों की तैयारी चल रही है, दूरी अम्मा जो है हमारे पकोड़े बना रही है, और ये हलीमा आ गई, और ये जो है हमारे बिरयानी है, मैंने हरे मसाले के पुलाव बनाए, बिरयानी सब खाते सारे, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारी सारी रेडी है, ये रहे मेरे भाई, अरे आए बताएं, ये रहे अमेरिका से देख रहे हैं कि हलीम हलीम सही बनी है नहीं बनी, ये मेरे भाई है भाई, जल्द आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर अलग सेटिंग रखी है आपने, क्यों? बच्चों के कमरा है, बच्चे के लिए। अच्छा यहाँ बच्चे हैं? नहीं नहीं जाएगा बाहर, अभी हम लोगों ने ठीक। अच्छा यहाँ पे सब चीजें रेडी करके रख रहे हो आप? अच्छा 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 सही है, दस्तर में जाएगा, दस्तर लगता है हम वही बैठ के खाते हैं। हाँ डाइनिंग टेबल वाले लोग नहीं है हम लोग, दस्तर में बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे शरबत रेडी, और इस वक्त डिसाइड हो रहे हैं कि 7 मिनट है, 8 मिनट है, कितने मिनट है? मुझको हो रहा है बुखार, ईद के दिन बच्ची बीमार है, ईद के दिन बच्ची बीमार हो गई है, बाकी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि अफ्तारी 10 मिनट में है या 15 मिनट में, देखते हैं और भी कोई आया है, अभी देखते कौन आया है। इतनी देर से कौन आता है ये बताएं, आप ही आ सकते हैं, आप हेल्पर आ रही है सबकी, वहाँ भी क्या बात है, चलो उठाओ ये सब चीज़ें यहाँ से उठाते जाओ, और केचप, केचप वहाँ पर होगा, फ्रिज में रखा होगा, केचप यहाँ नहीं है। जल्दी आ जाओ अम्मी, फुलफ्तारी का टाइम हो गया, वहाँ दस्तर बिछाओ, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी, बैठो बैठो बैठो, दोबारा की दोबारा कल सुबह है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा यहाँ पे मेरा हंसते नहीं है, बेचारा इबादत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कोई, चलो सब बच्चे बाहर, वो इबादत कर रहा है हमारा अच्छा बच्चा, बाल क्यों खोल दिए, क्यों खोले बाल, हेलो क्या था ये, चलो ऊपर ऊपर, अभी तो नमाज पढ़ रहे थे आप, हम लोग जो है हमारे घर हम लोग हमारे घर जा रहे हैं, मेहंदी ला रहे हैं, और स्टिकर लगाएगा कौन? मम्मा आप ही लगाएंगे मेहंदी, चलो लेट्स गो, ये 50 बच्चे क्या ये जाएंगे, ये इन्होंने सुन लिया ना कि हम जा रहे हैं, ये वाले स्टिकर्स जो भी, इनमें से हम सब चूज करेंगे कौन सा कौन बनाएगा, और ये जो है कौन इस पे अप्लाई, ये अच्छा है यार, पहले है ना रीयूजेबल है, हाँ पहले हम कितना वेट करते थे पूरा दिन जो है ना मेहंदी, ये बस ये स्टिकर लगाया, ड्राई हो गया, खींचो डिजाइन बन गया, वापस दिखाते हैं आप लोगों को, ये जो है इस तरह स्टिकर अप्लाई होने के बाद बस हम लोग जो है इस पे जो पूरी फिलिंग करेंगे। ये तो बॉयज कैसे देख रहे हैं बैठ के, मेहंदी कैसे लगती है? अच्छा आपने डिजाइन चूज करो, आपको कौन सा वाला लगाना है इस पे से? ओके कौन सा लगाओगी जल्दी जल्दी? ये वाला, ये आपको अच्छा लग रहा है? ओके देखिए एक हैंड की मेहंदी हो गई है, ये आप क्या कर रही हो? मैंने कहा फिंगर्स कर रही हूं, बहुत अच्छा। हां फिर जब ये हो जाएगी तो ये स्टिकर हम लगाएंगे इस तरह, ठीक है? दिखाओ ये हाँ, इस बच्चों के साथ ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती डिजाइन चूज करो, कौन सा? बहुत बड़ा है परिशे, ये वाला ये लगा दो परिशे पे, ये अच्छा लगेगा, ये लगा दो। अब परिशे की टर्न है भाई, ये अब जो है परिशे की बारी है, कैसी लगाऊं मैडम आपको मेहंदी? अच्छा अच्छी सी, बुरी यहाँ तक लगा दूं, यहाँ तक लगा दूं पूरी? हाँ परिशे आप कितनी बिजी चल रही है, मतलब यहाँ पे मेहंदी हो रही है और यहाँ पे परिशे मोबाइल भी देख रही है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था ये। परीक्षा की स्टिकर निकालने का टाइम, लेट्स सी परीक्षा मूव नहीं होना अभी बिल्कुल,
खराब हो जाएगी सारी, लाओ तो मैं पकड़ लेती हूँ, मेरी मेहंदी नहीं लगी। वाह भाई, वाह परीक्षा आपकी दूसरी मेहंदी भी इतनी अच्छी लगी। घर में तैयारियां मेहंदी की, तो ये जो है निमरा की लग रही है, निमरा का खराब हो गई ना, मुझे नहीं बोलना रोजी के बाद। ये सही है यार, कितना इजी है, मतलब पहले हम लोग क्रेडिट गोज टू आपी। हाँ वैसे ये जो है ना एंटीक चीज आपी लाई है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना, तो अभी जो है ना ये चीज आप ही लेकर आई। बट पहले हम लोग मेहंदियों के लिए ख्वार होते थे, मेहंदी वालों का इंतजार करते थे। तो क्या हो गया भाई, ये लड़के आजकल हमारे फारिग हो रहे हैं, वो पर्दे में घूम रहा है, ये बंदा फारिग है, ये लड़का फारिग है, ये भी फारिग है, सारी गर्ल्स इस वक्त जो है ना बिजी चल रही है। ओके, तो अभी सबकी मेहंदी हो गई है, हो गई है, बस परीक्षा का पैर रह गया है। पास सीधे रखो परीक्षा, आपको पैर कराना लाजमी था। हाँ नहीं, आप परीक्षा ने भी अपने पैर कराए, उन्होंने सबके हाथ करे, जब सबका हो जाएगा, अगर मेरी बारी नहीं आ रही है। चलो इसके बाद आप खुद लगा लेना ना, ये इनके तो कंप्लीट हो रहा है, पहले एक हाथ होता है, फिर दूसरा बोलता मैं भी, फिर दूसरा बोलता मैं भी, अब तो दो और गए, अभी तो आंटी भी गई है ना। हाँ अम्मी लोग गए हैं ना, नानू लोग और मम्मी लोग, ये लोग गए हैं, ये लोग आएंगे, फिर ये लोग भी मेहंदी लगेंगे, तो पता नहीं उस आप कब लगाओगी। आज की तारीख पे लगाऊंगी। आपकी पाँव में भी मेहंदी लग गई है ना, परीक्षा ने पाँव में भी लगवा ली भाई, डन हो गया। ओ माशाल्लाह, फैला भी दिया आपने, क्या किया बेटा, फायदा आ गया हमारे। चलो लेट्स स्टार्ट पार्टी, उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी, मैंने सबको मेहंदी लगा दी बेटा। हाँ खाने के बाद मैं जो है ना मेहंदी लगाओगे तुम लोग। ओके जी, तो भाई मेरी मेहंदी भी डन होगी, देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये वाला भी बहुत ही प्यारी लग रही है। बस चलो मेहंदी और चांदना तो हमारी डन हो गई है, और अभी तक जो है लापातुपी हूँ कि कुछ भी नहीं हुई है, रश का सोच कर ही ना मुझे कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से मैं गई ही नहीं। सो गई मेहंदी, दिखाओ। अरे वाह, इस बार हम सबकी इतनी प्रॉपरली लगी हुई है ना मेहंदी कि क्या ही बात है। चलो अब भूख लग रही, खाना खाते हैं। मोटा कितना हो गया है भाई, क्या हो रहा है ये, ईद से पहले का दौरा है। करो करो बेटा, पागल हो गए सारे। ये फन तो भाई चलता रहेगा, तो फन को थोड़ा सा एंड करते, क्योंकि कल घर जाएंगे तो वापस यहाँ पर ईद में आना है ना हमें, और मैं इस वक्त अपना बैग ढूंढ रही, मेरा बैग मुझे मिल नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। घर के लिए निकलते हैं भाई, अब तो बैग 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 यहाँ पर भी नहीं है यार, कहाँ चला गया, पूरा घर में फाड़ा हुआ हम लोगों ने खूब। बाजी बैल तो बजा लो, तो भाई शॉपिंग वोपिंग करके आखिरी आखिरी शॉपिंग भी हमारी चल रही है इस वक्त, बैल बजाओ। कैसी लगी आप लोग को न्यू लाइट आ गई, ये देखें भाई हमने जो है प्ले बटन के लिए न्यू लाइट लगाई, और ये बहुत ही खूबसूरत सा पीआर पैकेज हमें आया था। ये गिफ्ट जो है ना हमें दी क्रोशेट डायरी से आया था भाई, ये देख रहे हैं, ये परीक्षा का पूरा नाम, ये हाइम का पूरा नाम, इन्होंने भाई पूरा मेहनत से, यानी कि जो वो क्रेशा होता है ना उससे पूरा लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। जिसको भी भाई अपने नाम बनाने, कस्टमाइज है आपकी चॉइस, आप जो बनाना चाहो तो सकते हैं, तो वो जल्दी से जाएँ दी क्रोशेट डायरी और इंस्टाग्राम पर इनको मैसेज करें, बहुत ही भाई बेहतरीन और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं बंदी। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैंने डायरी के प्ले बटन्स के साथ लगा दिया। ओके जी, तो अपने ब्लॉग को हमने भाई यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि कल की जो है हमें तैयारी करनी है, तकरीबन अभी बज रहे हैं 3 और सुबह उठना है जल्दी, और सारी तैयारी करके भाई ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के ईद के ब्लॉग में, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे पता है आप कुछ कह रही हैं, मैं शीशे में दिखाई दे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।